स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज के हिस्ट्री के सेशन में हम आपको बताएंगे सिकंदर के विजय अभियान के बारे में तथा भारतीयों के पराजय के कारण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सिकंदर के विजय अभियान। तो जैसा कि हम आपको आज जो बताएंगे सिकंदर के विजय अभियान के बारे में और भारतीय के पराजय के बारे में, तो आइए देखते हैं सिकंदर के विजय अभियान के बारे में। सिकंदर का जो विजय अभियान, भारत विजय जो अभियान शुरू होता है वो आपका 327 ईसा पूर्व में शुरू होता है। अर्थात सिकंदर भारत को विजय करने की जो योजना बनाता है उसका क्रियान्वयन वो 327 ईसा पूर्व से शुरू करता है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर हिंदू कश पर्वत श्रेणी को पार करते हुए काबुल की तरफ आगे बढ़ता है। काबुल से आगे जब थोड़ी दूर बढ़ता है तो सिकंदर अपने सेना की टुकड़ियों को दो भागों में बांट देता है। एक भाग उसके दो प्रमुख सेनापति जो थे वो हफीस्तियन तथा पार्थिगस के नेतृत्व में रहता है। हफीस्तियन तथा पार्थिगस जो उसके दो मुख्य सेनापति होते हैं, एक सेना की टुकड़ी इन दोनों के पास होती है तथा दूसरे सेना की जो टुकड़ी होती है उसका नेतृत्व सिकंदर स्वयं करता है। तो जो हफीस्तियन तथा पार्थिगस के सेना की टुकड़ी थी वो पेशावर की तरफ बढ़ती है तथा जो दूसरी टुकड़ी होती है जिसका नेतृत्व स्वयं सिकंदर कर रहा होता है वो टुकड़ी तक्षशिला की तरफ आगे बढ़ती है और तक्षशिला की तरफ आगे बढ़ते हुए अश्वक, निशा, शूद्रक तथा कुछ छोटे छोटे राजाओं को पराजित करके वो तक्षशिला की तरफ आगे बढ़ता है, जिसमें से निशा जो राज्य था वहाँ के जो शासक थे वो यूनानी जो देवता होते थे डायनोसियस उसको मानते थे, इसलिए उन्होंने जो है सिकंदर का भव्य स्वागत किया और सैन्य सहायता देने का वादा किया। लेकिन बाकी जो राज्य थे उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया लेकिन पराजित हुए। जब सिकंदर तक्षशिला की तरफ पहुंचता है तो इसके पहले हमने आपको एक सेशन में एक लेक्चर में बताया था कि तक्षशिला का जो शासक था वो राजा आम्बी था और आम्बी राजा पोरस को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए सिकंदर से बहुत पहले ही जाकर मिल लेता है। सिकंदर से मिलता है, उसे बहुमूल्य भेंट देता है और सैनिक सहायता देने का वादा करता है कि आप पोरस के खिलाफ युद्ध करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो सिकंदर को पहले से ही पता था कि तक्षशिला का जो राजा आम्बी था वह उसके साथ में है। तो आम्बी तक्षशिला का जो शासक था वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। चूंकि इन दोनों के बीच में पहले से ही संधियां थी इसलिए तक्षशिला को जीतने के बाद सिकंदर का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण बचता है वह पोरस के साथ युद्ध का बनता है, क्योंकि उस समय पोरस ही एक ऐसा राजा था जो सिकंदर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सबसे मजबूत शासक था, क्योंकि पोरस बहुत ही महाशासक था, बहुत ही वीर शासक था। उसकी वीरता के वर्णन, उसके महानता के वर्णन सिकंदर ने सुन रखे थे तथा सैन्य शक्ति भी पोरस की काफ़ी मजबूत थी। तो अगला जो युद्ध सिकंदर का होता है, जो सबसे प्रमुख युद्ध है, वह पोरस के साथ होता है। पोरस के साथ के युद्ध के समय सिंधु नदी के दोनों तट की तरफ एक तरफ सिकंदर की सेना तथा दूसरी तरफ पोरस की सेना आमने सामने होती है। जब सिकंदर पोरस के पास एक संधि पत्र भेजता है कि आप हमारी मित्रता स्वीकार कर लो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तो पोरस कहता है, पोरस एक पत्र भिजवाता है कि हम युद्ध करेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसी क्रम में पोरस ने अपने आसपास पड़ोसी राजाओं को बताया कि सिकंदर जो कि यूनानी का आक्रमणकारी है, बाह्य आक्रमणकारी है, उसको हम मिलजुल कर अपने देश से बाहर निकालते हैं। लेकिन किसी भी राजा में ये हिम्मत नहीं थी
कि वो सिकंदर का सामना कर सके। सभी राजाओं ने डर कर पोरस की तरफ से लड़ना से मना कर दिया और पोरस की सहायता नहीं की। लेकिन पोरस ने बड़े ही वीरता के साथ सिकंदर की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। सिंधु नदी के दोनों तटों के तरफ पोरस और सिकंदर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इसी बीच एक रात चुपके से सिकंदर की सेना नदी तट को पार कर पोरस की सेना से युद्ध करने लगती है। सिकंदर और पोरस के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध होता है। लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कुशल रणनीति के साथ साथ संयोग और भाग्य का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है। परिस्थितियां कुछ ऐसे बनी कि पोरस की जो सेना में हाथी थे अचानक हाथियों के बीच भगदड़ सी मच गई और वे हाथी अपने ही सेना को रोनते हुए पीछे की तरफ भागने लगे। इस तरीके से पोरस के जो सैनिक थे उनमें एक विजिलेंस आ गया और वे पीछे की तरफ भागे। तभी उसी समय यूनान के सैनिकों ने पोरस को बंदी बना लिया। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा पोरस से कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया कि जैसे एक राजा दूसरे के राजा के साथ जो व्यवहार करता है ठीक उसी तरीके से आप हमसे व्यवहार करें। इस प्रश्न को सुनकर सिकंदर पोरस से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और पोरस की तरफ वीरता का हाथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। पोरस और सिकंदर के बीच मित्रता हो जाती है। सिकंदर पोरस के विजित क्षेत्रों को पोरस को लौटा देता है और दोनों के बीच एक संधि स्थापित हो जाती है। इसके बाद पोरस और सिकंदर के बीच संधि स्थापित हो जाती है। इसके बाद जो पोरस सिकंदर का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वह होता है व्यास नदी को पार कर नंदवंश के साथ युद्ध करना। जैसा कि सिकंदर की सेना को पता था, सिकंदर की सेना ने सुन रखा था, खुद सिकंदर ने सुन रखा था कि उस समय नंदों के पास बहुत बड़ी सेना थी जिसमें हाथी घोड़े रथ तथा पैदल सेना सम्मिलित थी और नंदों की सेना बहुत बड़ी मजबूत थी। यह सुनकर सिकंदर की सेना में एक विचलन सा आ जाता है। सिकंदर की सेना परेशान हो जाती है और नंदवंश की सेना से डर जाती है। इसलिए जब सिकंदर कहता है कि व्यास नदी को पार करके अब हम नंदवंश पर आक्रमण करेंगे, उस समय नंदवंश का राजा धनानंद होता है, तो सिकंदर की सेना नंदवंश की सेना से डर कर व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। दूसरा कारण एक और था कि सिकंदर जो है अपनी सेना के साथ 3-4 वर्षों तक भारत में जो है रहा और छोटे छोटे राज्यों को इसी क्रम में जीतता रहा। तो सेना जब अपने घर से बहुत दूर या और बहुत दिनों तक बाहर होती है तो सेना थकती है, उसे अपने परिवार के सदस्यों की याद आती है, वो अपने परिवार और अपने घर वालों से मिलना चाहता है। इसलिए भी सेना बहुत थकी हुई थी क्योंकि लगातार युद्ध करने से उनका मनोबल अब धीरे धीरे गिरने लगा था। इसलिए सेना के लोगों ने कहा कि अब हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। अंत में सिकंदर ने एक निर्णय लिया कि चलिए ठीक है अब हम पुनः अपने देश लौटते हैं। उसी क्रम में सिकंदर बेबीलोन के स्थल मार्ग के रास्ते बेबीलोन लौटता है। लौटते समय सिकंदर का युद्ध अश्वक क्षुद्रक मशक तथा कई छोटे छोटे राज्य जो बीच में पड़ते थे उनके साथ उनका युद्ध होता है और सिकंदर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ जब बेबीलोन में पहुंचता है तो बेबीलोन में वो बहुत ही बीमार हो जाता है, घायल अवस्था में रहता है और वहीं इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के साथ साथ विश्व विजेता बनने का सपना उसका अधूरा रह जाता है। इसके बाद अब इतिहास का जो दूसरा क्रम शुरू होता है वो ये कि अगर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीयों के पराजय के क्या कारण थे। तो भारतीयों के पराजय के जो सबसे बड़े कारण थे कि उस समय जो सिकंदर की सेना थी उनकी सेना के बीच एक कुशल नेतृत्व था और वो सिकंदर के हाथ में था। दूसरी चीज, उनके जो सैन्य होते थे सेनानी होते थे बख्तरबंद थे, उनके पास भाले तीर छोटी छोटी हल्की हल्की तलवारें और घोड़े थे। हमारे भारतीय सेना में
क्या था कि हमारे भारतीय सेना में जो बख्तर होते थे वो बहुत हैवी होते थे, जिससे सैनिकों को परेशानियां होती थी। साथ ही साथ हमारे सेना में हाथी होते थे जो दलदली क्षेत्रों में युद्ध करने में उतने महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि उस समय अश्वारोही सैनिक होते थे। साथ ही साथ हमारे भाले बहुत वजन के होते थे, हमारी तलवारें बहुत वजन की होती थी। और जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो ये रहा है कि हमारे यहाँ के शासकों में कोई एकता नहीं थी। ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने के लिए ये विदेशी आक्रमणकारियों का साथ देते रहते थे। क्योंकि वीरता का जो प्रश्न है, सैनिक कुशलता का प्रश्न है, वो बिल्कुल नकारा जा सकता है कि हमारे यहाँ के सैनिक यूनानी सैनिकों की अपेक्षा कम वीर थे। अगर हमारे यहाँ के सैनिक यूनानी के सैनिकों की अपेक्षा कम वीर होते तो कहा जाता है कि जब इस सलमार्ग से सिकंदर वापस जा रहा था तो छोटे छोटे राजाओं से लड़ने के क्रम में वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और मरते मरते बचा था। साथ ही साथ पोरस के साथ युद्ध के समय एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि सिकंदर बुरी तरीके से पराजित होकर मारा जाएगा और या युद्ध क्षेत्र से भाग जाएगा। सिकंदर की सेना तितर बितर होने लगी थी, लेकिन उसी समय एक संयोग बस ऐसी घटना घटित होती है कि पोरस बंदी बना लिया जाता है। तो वीरता क्रम में हमारे भारतीय सैनिक कहीं भी किसी भी मामले में यूनानी सैनिकों से कम नहीं थे। लेकिन जो भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी थी, नेतृत्व का अभाव, एकता की कमी, साथ ही साथ आपस में संघर्षरत छोटे छोटे राजाओं की अपनी कुछ व्यक्तिगत अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, इन कमियों की वजह से भारतीय राजा पराजित होते हैं और सिकंदर जो है भारत के कई क्षेत्रों को विजित कर पुनः अपने देश लौट जाता है। आगे वाले सेशन में हम अब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज सिकंदर का विजय अभियान तथा भारतीय राज्यों के पराजय के कारण हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके क्रम में अब हम आपको पढ़ाएंगे कि जब सिकंदर भारत को विजित कर लेता है, भारत से वापस लौट जाता है, तो उसके आक्रमण के जो प्रभाव हैं वो राजनीतिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। अर्थात यूनान के आक्रमण के बाद जो भारतीय इतिहास में और स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, उसके राजनीतिक क्षेत्र में, उसके आर्थिक क्षेत्र में, उसके सांस्कृतिक क्षेत्र में और उसके सामाजिक क्षेत्र में, उन परिवर्तनों को हम आपको कल के सेशन में बताएंगे। और इसके बाद अगले सेशन में हमारा सेशन जो शुरू होगा धर्म सुधार आंदोलन का होगा। तो इसी सेशन के साथ आज का जो हमारा इतिहास का लेक्चर है वह यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं कल के सेशन में सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के इतिहास का स्वरूप या सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में परिवर्तन या भारतीय इतिहास पर उसके प्रभाव। इसी के साथ लेक्चर हमारा समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसडीबी टाइगर आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। हम आपको इतिहास के जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी सेशन इतिहास के ले रहे हैं, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो इतिहास से जो आपको भय व्याप्त होता है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अरुचिकर है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, याद नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे इसी क्रम में आपको इतिहास पढ़ने में आनंद आने लगेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हम वादा करते हैं हम आपको बेहतर और सरल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।